रीवा में शिकायतकर्ता मुनीश कुमार प्रजापति ने अपर कलेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह पर रिश्वत देने का आरोप लगाया, जहां उन्होंने बताया कि लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत की थी कि उसे विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिसके लिए उसने 23 जुलाई को कलेक्टर कार्यालय रीवा में आवेदन जमा किया, किंतु उसे अभी तक विवाह प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दिया गया है। साथ ही बताया कि विवाह प्रमाण पत्र बनाने के एवज में अपन ने 6,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी और साथ ही धमकी कि यदि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। राशि लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इनका विगत 6 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। इनको जो है विवाह प्रमाण पत्र के लिए इन्होंने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया था। उस विवाह प्रमाण पत्र को जो है करीब 1 महीने से ऊपर हो गया था, तो वो बार बार जा रहे थे, उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। उस प्रमाण पत्र को बनाने के एवज में कुछ जो एडीएम के रीडर हैं उनके द्वारा राशि मांगी जा रही थी। पहली बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार में उनसे 1,000 रुपये ले लिए गए और बाद में बोला कि और पैसे लगेंगे तो विवाह प्रमाण पत्र मिलेगा, नहीं तो नहीं।